माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 वेलकम टू माय न्यू वीडियो आजर मोर ए वीडियो रे तुमर माध्यमिक बीजगणित बही द्वितीय अध्याय द्विघात समीकरण पाठर अनुशीलनी 2A र 15 डबल आई एवं 16 नंबर प्रश्न द्वारा समाधान करिबा 15 डबल आई रे जो प्रश्नटी लिखाई छि ता पढुछि तुमे सुनो यदि a + b + c = 0 एवं abc बिलोंग टू q तेबे प्रमाण करो जे b + c - a * x² + c + a - b * x + a + b - c = 0 समीकरणर बीजद्वय परिमेय है समीकरणर बीजद्वय परिमेय हेबे बोली कहा जाय छि अर्थात समीकरणर मूलद्वयर स्वरूप कथा कहा जाय छि आ समीकरणर मूलद्वयर स्वरूप कथा पढिले हमको प्रभेदक d जानिबाक होए आ प्रभेदक d यदि एक पूर्ण वर्ग राशि होइ जिवो ताले समीकरणर बीजद्वय परिमेय हेइबे ताले प्रभेदक d निर्णय करिबा प्रभेदक डी निर्णय करिबा पूर्वरु जो तथ्यटी दिया हिची ताको हमें लिखिबा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 ए बी सी बिलोंग टू क्यू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 रु हमें बी प्लस सी निर्णय करिबा बी प्लस सी इक्वल टू प्लस ए राइट वाले माइनस ए पुणी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 लिखिबा सेथिरु हमें सी प्लस ए निर्णय करिबा सी प्लस ए इक्वल टू प्लस बी राइट वाले माइनस बी पुणी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 एथिरु हमें ए प्लस बी निर्णय करिबा ए प्लस बी इक्वल टू प्लस सी राइट वाले माइनस सी हे जइबो तापरे दत्त समीकरण टी लिखि देबा दत्त समीकरण टी कोन थिला b + c - a * x² + c + a - b * x + a + b - c = 0 थिला या को आनी करी लिखिबा b + c - a * x² + c + a - b * x + a + b - c = 0 एथिरे जो b + c अछि एहार पूर्वर निर्णित मूल्य b + c रो मूल्य - a आनी करी एठी प्रयोग करिबा b प्लस सी जगह आम माइनस ए लिखा आगर माइनस ए थिला लिखिदे इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस ए जगह आम माइनस बी लिखा माइनस बी लिखिले आगर माइनस बी थिला लिखिदे इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी जगह पीले आम माइनस सी लिखा आगर माइनस सी थिला इज इक्वल टू 0 बर्तमान माइनस वन ए माइनस वन ए माइनस टू ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स स्क्वायर तापरे माइनस वन बी माइनस वन बी माइनस टू बी इंटू एक्स माइनस टू बी इंटू एक्स प्लस गुणन हो गला प्लस इंटू माइनस माइनस टू बी एक्स होगा तापरे माइनस वन सी माइनस वन सी माइनस टू सी माइनस टू सी प्लस गुणन हो गला प्लस इंटू माइनस माइनस टू सी होगा इज इक्वल टू 0 ए तीनोटी पदरे माइनस टू कमन अच्छी आउ माइनस टू कमन गला परे जहाँ रहिबो से सब प्लस हो माइनस टू कमन गला ताहले प्लस ए एक्स स्क्वायर रहिला माइनस टू कमन गला एथिरु प्लस बी एक्स रहिला एथिरु माइनस टू कमन गला प्लस सी रहिला इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 केमती हला लेफ्ट जो माइनस टू गुणन होता राइट को आसिलारु ताहा 0 बाय माइनस टू होगा एवं 0 बाय माइनस टू रो मूल्य 0 होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण आउ ए द्विघात समीकरण और प्रभेदक डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है ए बी स्क्वायर को आम माइनस बी रो स्क्वायर लिखि पारिबा कारण प्लस बी रो स्क्वायर भी बी स्क्वायर होता है माइनस बी रो स्क्वायर भी बी स्क्वायर होता है ताले सार आम प्लस बी रो स्क्वायर कहीं लिखिले ना आमर प्लस बी रो मूल्य ना आमर माइनस बी रो मूल्य अच्छी माइनस बी रो मूल्य सी प्लस ए अच्छी तेणु बी स्क्वायर को आम माइनस बी रो स्क्वायर लिखिले तापरे माइनस फोर ए सी माइनस बी जगह आम सी प्लस ए लिखिदबा आउ माइनस बी जगह सी प्लस ए लिखिदे स्क्वायर को स्क्वायर अच्छे तापर माइनस फोर ए सी को आम माइनस फोर सी ए लिखिदे सी प्लस ए रोल स्क्वायर माइनस फोर सी ए इज इक्वल टू सी माइनस ए रोल स्क्वायर होता है तुम्हें गोटे सूत्र अष्टम श्रेणी में पढ़ी ए प्लस बी रोल स्क्वायर माइनस फोर ए बी इज इक्वल टू ए माइनस बी रोल स्क्वायर होता है से अनुसार c प्लस ए होल स्क्वायर माइनस फोर सी एज इक्वल टू सी माइनस ए होल स्क्वायर हो जाए डी इज इक्वल टू सी माइनस ए होल स्क्वायर सी माइनस ए होल स्क्वायर एक पूर्ण वर्ग संख्या तेणु जेहेतु प्रभेदक डी एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा ताहले b प्लस सी माइनस ए इंटु एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस ए माइनस बी इंटु एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 समीकरण बीजद्वय परिमेय हेबे प्रमाण कर जे b प्लस सी माइनस ए इंटु एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस ए माइनस बी इंटु एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 समीकरण बीजद्वय परिमेय हेबे
तेणु आम प्रमाण करदे बी प्लस सी माइनस ए इंटु एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस ए माइनस बी इंटु एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस सी जीरो जीरो समीकरण विजय परिमेय हेबे प्रमाणित। बर्तमान आम 16 नंबर प्रश्नर समाधान करवा। 16 नंबर प्रश्न जहाँ लेखाई पढ़ुची शुण गोटे द्विघात समीकरण मूलद्वयर समष्टि 3 ओ मूलद्वयर वर्गर समष्टि 29 हेले समीकरणटि निरूपण कर। समाधान आरंभ करवा। द्विघात समीकरण मूलद्वयर समष्टि 3 दिखाई तेणु द्विघात समीकरण मूलद्वय अल्फा और बीटा हूँ तेल समष्टि 3 दे तेणु अल्फा प्लस बीटा जी गोटे 3 हे एवं मूलद्वयर वर्गर समष्टि 29 मूलद्वयर वर्ग माने अल्फार वर्ग आ बीटार वर्गर समष्टि अल्फार वर्ग को अल्फा स्क्वायर आ बीटार वर्ग को बीटा स्क्वायर कह जाए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 29 हेब। आमर द्विघात समीकरण टी हे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटु एक्स प्लस अल्फा बीटा जदि विजद अल्फा बीटा दिया है तेल द्विघात समीकरण टी होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटु एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 तेणु आमको अल्फा बीटा निर्णय करने को पड़ो। अल्फा बीटा निर्णय करवाई आमर गोटे सूत्र रही हूँ अल्फा प्लस बीटार होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा होता है। यहाँ कौन आसला तुम्हें अष्टम श्रेणी जानी ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी से यहाँ अल्फा प्लस बीटार होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटार मूल्य आम जानते 3 तेणु अल्फा प्लस बीटा जगह 3 लिखि दिगला 3 र स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मूल्य 29 दिखाई तेणु अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जगह तुम्हें 29 लिखर प्लस टू अल्फा बीटा उतारी देव इम्प्लाइज 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू राइट प्लस 29 लेफ्ट को गले माइनस 29 3 स्क्वायर 9 माइनस 29 9 माइनस 29 29 बड़ माइनस आसव 29 रु 9 गले 20 तेणु 2 अल्फा बीटा इज इक्वल माइनस 20 इम्प्लाइज अल्फा बीटा इज इक्वल माइनस 20 बाय 2 माइनस वाय प्लस माइनस होगा 20 बाय 2 10 होगा तेणु अल्फा बीटा इज इक्वल माइनस 10 ताले अल्फा बीटा मिल जाइए। एवं आवश्यक समीकरण हम एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटु एक्स प्लस अल्फा बीटा जीरो जीरो इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटार मूल्य 3 दिखाई तेणु अल्फा प्लस बीटा जगह आम 3 लिखा इंटु एक्स प्लस अल्फा बीटार मूल्य एवं निर्णय कर माइनस 10 तेणु अल्फा बीटा जगह आम माइनस 10 लिखिदा इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस इंटु माइनस माइनस 10 इज इक्वल टू 0 ताल आवश्यक समीकरण टी हे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 आंसर। धन्यवाद।